टुडे ट्रेड में वीरेंद्र हर रोज एक स्टॉक आपको बताते हैं, खासतौर पर इंट्राडे के लिहाज से। आज कौन सा स्टॉक चुना है जान लेते हैं, बताइए वीरेंद्र। दिवाली कल अगर आप देखें, ये स्टॉक चल रहा था और इनफैक्ट चलते चलते सुबह से मैंने कई बार बात भी की इस स्टॉक पे। आरईसी को देखिए आप, आरईसी पे टिपिकल अभी कुछ देर पहले जब मैं निफ्टी बात कर रहा था दिवाली, क्या बात की थी हमने, सीरीज का अंतिम पड़ाव, शॉर्ट कवरिंग, कुछ शॉर्ट पड़े हुए हैं वो कवर होने आएंगे। देखिए पहले जरा एक बार आप आरईसी के चार्ट को दिखाइए, ग्राफिक से पहले एक बार आरईसी के चार्ट पर आइए और एग्जैक्टली ये क्या कर रहा है। देखिए ये आया, ये कल का इंट्राडे चार्ट है, पूरे दिन टिका रहा, बहुत तेजी नहीं थी, 3% हार्डली ऊपर। फिर आइए जरा आप इसके 3 मंथ पे, ये ना एक बेस्ट ट्रेडिंग स्टॉक है अपने लोअर लेवल से पिक करने के लिए, 154-164 का एक बहुत शानदार बेस, ये आता है बार बार टेस्ट करता है। लेकिन इस बार मई से जो इसने पुल बैक लिया, मई के बाद इसने एक हाई लगाया था ऑलमोस्ट 164-165 का, फिर काफ़ी दिन तक उस रेंज में पड़ा रहा, लेकिन फाइनली इसने वहां से निकलने के संकेत दिए हैं। कल अगर आप डेरिवेटिव्स को देखें, वायदा कारोबार को, वहां पे 3.5 लाख शेयर जुड़े। याद रखिए जब फ्रेश बाइंग होती है ना किसी भी स्टॉक में, तो वहां पर जो मंदड़िया होता है ना वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, उसको लगता है कि यार अब क्रिटिकल लेवल टूट रहा है। अब अगर मैं आरईसी के चार्ट को देखूं तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां मंदड़िया इस चीज को लेकर परेशान है कि ये कल 168 और 170 के लेवल के ऊपर निकल गया, दैट मींस अब पॉसिबिलिटी बनेगी फ्रेश बाइंग के साथ साथ शॉर्ट कवरिंग की। याद रखिए ट्रेडिंग रेंज से बाहर निकला मंदड़िया यहां पे बैकफुट पे होगा, और आर्ली चार्ट पे सबसे बेहतरीन ब्रेकआउट है। और देखिए इस स्टॉक में धीरे धीरे जो डिलीवरी वॉल्यूम्स है ना वो बढ़ रहे हैं, कल 35% की डिलीवरी मार्क हुई है इस काउंटर पे, और अप्रॉक्सीमेटली क्या ट्रेजेक्ट्री आ सकती है। और देखिए मैं एक चीज़ तो शायद कहना भूल ही गया, और वो है यहाँ पर ऑप्शंस, मैं आपको ऑप्शंस दिखाता हूँ। कल क्या हुआ, 170 पे क्लोजिंग थी कल, जैसे कि मैंने क्या कहा मंदड़िया अनकंफर्टेबल है यहाँ पर, 165 की कॉल शॉर्ट कवरिंग, 3.5 लाख शेयर घटे मंदड़िया बैकफुट पे, 175 की कॉल शॉर्ट कवरिंग मंदड़िया बैकफुट पे, 170 की कॉल बैकफुट पे, और इसकी 175 और 185 और 180 तीन स्ट्राइक्स में लगभग 5.25 लाख शेयर जुड़े। दैट मीन्स ये पुल बैक जो है वो कंटिन्यू कर सकता है, और पुट राइटिंग 170 पर 1.5 लाख शेयर बिके। बाकी उदय स्कीम का चर्चा तो आप सबको मालूम ही है, वित्तीय स्थिति सुधरने का अनुमान, आई थिंक फंडामेंटल्स बहुत बात ही करूंगा यहाँ पे मैं, टेक्निकल और डेरिवेटिव प्रोस्पेक्टिव्स। दिवाली बहुत दिनों बाद मैंने कोई डेरिवेटिव का काउंटर लिया है, और सबसे बड़ा कारण है मंदड़िया बैकफुट पे। विद अ पॉसिबल ट्रैजेक्टरी ऑफ 180 यू कैन बेट ऑन आरईसी दिवाली। तो आरईसी पर बेट कर सकते हैं, कल डेरिवेटिव्स में भी काफी एक्टिव था, 170 के लेवल्स पर क्लोज हुआ, लेकिन आज परफॉर्मेंस बनी रह सकती है। खबरों वाले शेयर्स और देख लेते हैं जहां पर आज खबरें हैं, एसकेएस माइक्रो स्टॉक पर फोकस करें, हालांकि ना भारत फाइनेंशियल हो चुका है, लेकिन जो खबर है वो ये है कि 214 करोड़ के लोन का सिक्योरिटाइजेशन पूरा किया है कंपनी ने, और कल एक अच्छा मूवर रहा था, और इंपॉर्टेंट यह है कि अब 700 के लेवल पर कलर्स की क्लोजिंग हुई है। तो नजर रखकर चलिए एसकेएस माइक्रो पर। एक्शन कंस्ट्रक्शन, क्रिसिल ने कंपनी की रेटिंग बढ़ाकर ए की है और आउटलुक नेगेटिव से बढ़ाकर स्टेबल किया है, तो पॉजिटिव खबर एक्शन कंस्ट्रक्शन पर, रुझान आज शायद पॉजिटिव रह सकता है शेयर में भी। और एक और स्टॉक देख लेते हैं, शोभा लिमिटेड का 23 लाख शेयर बायबैक करेगी कंपनी, और बायबैक 29 जून से 23 जुलाई तक खुला रहेगा, 330 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ही बायबैक हो सकता है। राकेश, इन तीनों स्टॉक्स में से कोई पिक करना चाहेंगे आज इंट्राडे पर्सपेक्टिव से? तीनों स्टॉक्स के टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छे हैं। एसकेएस की बात करें तो निचले स्तरों पर हमने रिकमेंड किया था बाइंग करने के लिए, किसी के पास पोजीशंस है तो होल्ड करना चाहिए, इंट्राडे के नजरिए से व्यू लेना एज ऑफ नाउ बड़ा मुश्किल लगता है। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर है, आप देखिए ब्रेक्सिट और ब्रेक्सिट से पहले अगर आप देखें कौन वो शख्स था जिसने मिस्टर राजन को अगर आप देखें अपने टारगेट पे लिया, वो थे मिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी, और अब इस बार उनके निशाने पे हैं, आई मीन सुब्रमण्यम स्वामी के निशाने पे अब अरविंद सुब्रमण्यम। उनका एक ट्वीट आया है और उन्होंने कहा कि अरविंद सुब्रमण्यम को उनके पद से हटाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने करियर में अगर आप देखें भारत के हितों को बहुत 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 हद तक डैमेज पहुंचाया। 2013 में यूएस कांग्रेस में किसने कहा कि आपको भारत के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी ही थे जिन्होंने इस बात का आह्वान किया कि भारत के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, यूएस की फार्मा के हितों के भारत के लिए खिलाफ, जो फार्मा के हित डैमेज हुए हैं एग्जैक्टली अगर आप देखें फार्मा स्पेस में, वो एग्जैक्टली उसके पीछे कारण कौन थे, अरविंद सुब्रमण्यम। तो अब उनके टारगेट पे मिस्टर सुब्रमण्यम, तो थोड़ी सी परेशानी भी होगी बाजार को इससे, और आई थिंक थोड़ा सा हतोत्साहित करने वाली खबर भी है। देखिए कितना बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था रघुराम राजन को लेकर, और अब एक बार फिर से भारत की आर्थिक लॉबी पर उन्होंने एक और बार कहीं ना कहीं एक स्ट्राइक किया है दीपाली। बिल्कुल भसीन साहब, बात करने के लिए बहुत कुछ है भी नहीं और बहुत कुछ है भी,
क्योंकि अल्टीमेटली जो विवाद शुरू हुआ आज से एक महीना पहले, उसके बाद डेट मार्केट पे उसका इम्पैक्ट और फाइनली मिस्टर राजन का एग्जिट, अब उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी को टारगेट किया है, कहते हैं अरविंद सुब्रमण्यम को टारगेट किया है सुब्रमण्यम स्वामी ने, क्या कहते हैं आप इस पर? नहीं देखिए वरिंदर, ये एक दो दिन के लिए न्यूज़पेपर हेडलाइंस बन जाती हैं। जैसे आपने देखा था गवर्नर राजन का जाने पे संडे को कितनी अटकली लगी थी कि मार्केट 500 पॉइंट डाउन होएगा, रुपया 70 हो जाएगा, ऐसे कोई ऐसी बातें नहीं होती। रिजर्व बैंक और एक फाइनेंस मिनिस्ट्री एक बहुत बड़ी संस्था है, और एक आदमी से ना जाने से कोई फर्क आएगा या आने से? टेम्प्ररी थोड़ा सा स्पेकुलेटिव होता है। मिस्टर सुब्रमण्यम इज एन आउटस्पोकन पर्सन, बट ही डज अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन हिज पेपर वर्क, तो उनकी जो ऑथेंटिकेशन है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। हाउएवर आई थिंक ये रेटरिक है एंड इट हैज अ फील गुड फैक्टर फॉर द न्यूज़पेपर्स, उससे ज्यादा मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। और विनय, एक चीज और आपने देखी कि रघुराम राजन के बाद अब जब अरविंद सुब्रमण्यम पर ट्वीट आया है सुब्रमण्यम स्वामी का, और अरविंद सुब्रमण्यम लाइकली रिप्लेसमेंट ऑफ आरबीआई गवर्नर की जो लिस्ट है उसमें शुमार भी है। पहले देखिए, अब कुल मिला के माहौल बन जाता है ना। अब देखिए, मैंने एक खबर किससे पूछी, मिस्टर भसीन से। उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने प्रतिक्रिया दी, अगर वो चले जाएंगे तो कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उनकी रिसर्च होती है देख रेख के अगर आप देखें पढ़ लिख के उन्होंने कोई टिप्पणी करी होगी, माहौल थोड़ा ख़राब हो जाता है दीपाली। कुल मिला के आप देखिए ना, बाजार को ना दीपाली कभी अनिश्चितता पसंद नहीं होती है, तो शायद इस ट्वीट के साथ और कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन आरबीआई के नेक्स्ट गवर्नर के पॉसिबल जो कैंडिडेट्स थे उसमें से शायद, ये मेरा कयास है, एक पिक्चर पे क्रॉस लग गया। चलिए, लग गया कि नहीं लग गया बताइए। चलिए ठीक है, अब ये एक थोड़ा सेंटीमेंट थोड़ा सा कमजोर अगर हूँ इस खबर की वजह से, तो एक अच्छी खबर की अब बात कर लेते, वो है मानसून देर आए लेकिन दुरुस्त है, और अब तक के जो आंकड़े हैं 21 जून तक के उसके मुताबिक जो बारिश है वो सामान्य से 2% ज्यादा हुई है, तो ये एक अच्छा है और ये डेफिनेटली सेंटीमेंट को बूस्ट करेगा, क्योंकि काफी जान फूकी है इस ट्रिगर ने बीते 2 महीने में इंडियन मार्केट्स में। और इस पर्सपेक्टिव से एग्री स्टॉक्स हुए, फर्टिलाइजर स्टॉक्स हुए, एफएमसीजी सेक्टर हुआ, या फिर हर वो स्टॉक जो कि रूरल इकोनॉमी से लिंक्ड है वो इस खबर से इम्पैक्ट होता है। आज के लिए कोई ट्रेडिंग स्टॉक मानसून को ध्यान में रखते हुए राकेश पिक करना हो एग्री से, फर्टिलाइजर से, या फिर ऑटो स्पेस से, तो कौन सा चुनेंगे आप? देखिए, अगर मॉनसून को ध्यान में रखते हुए स्टॉक पिक करना हो तो मुझे लगता है टाटा ग्लोबल बेवरेजेस पर नजर रखनी चाहिए। काफी समय से स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, और मेरा यह मानना है कि अगस्त से सितंबर अक्टूबर में जिस तरीके से अगर मॉनसून नॉर्मल रहा तो चाय की कीमतें 8 से 10 रुपए बढ़ेंगी, स्टॉक में री रेटिंग देखने को मिल सकती है। अगर किसी का दिसंबर 2016 के एंड तक का नजरिया हो तो मुझे लगता है 170-175 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस एक ब्लू चिप स्टॉक है, इतनी रिटर्न अगर दिसंबर एंड तक मिलने की संभावना हो तो बाय करना चाहिए। एज अ डिस्क्लोजर, हमने खुद ने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड करा हुआ है स्टॉक बाय करने के लिए। दीपाली, कुल मिला के जो आपने मानसून की बात की ना, आप देखिए मानसून के साथ राकेश ने चाय की बात कर दी है। नहीं, चाय, कॉफी, चीनी, ये सब तो चलता रहेगा। आप ये देखिए ना, अच्छा मानसून रूरल इंडिया पे, ग्रामीण भारत पे, देखिए इसका डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ता है। 2 साल से हम मानसून, खराब मानसून से जूझ रहे हैं। फिर आप देखिए कि सातवें वेतन आयोग का पैसा, एरियर्स, नई तनख्वाहें, दिवाली दशहरे से पहले लोगों के पास खूब पैसा, तो जो सेक्टर्स कंज्यूमर डिमांड से प्रभावित होते हैं उनके लिए तो वाकई FY17 का फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और अल्टीमेटली फोर्थ क्वार्टर, उनके लिए FY17 वाकई अगर आप देखें बहुत अच्छा नजारा है। और कीप योर फिंगर क्रॉस्ड कि मानसून भगवान करे अच्छा ही रहे, अंतिम पड़ाव तक अच्छा रहे, वाटर लेवल भी चार्ज हो जाएगा भारत का जो कि काफी खराब हो गया। भसीन साहब, ये कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर अगर आप देखें जिससे जुड़ा हुआ है उस स्पेस में, नॉट फ्रॉम ए ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव, इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं, मेरे को स्टॉक पकड़ना है 6 महीने साल भर के लिए, इसमें से क्या पकड़ू आप क्या क्या कहते हैं इस पर? हाँ देखिए वरिंदर, हमें आपने जैसे अभी कहा कि एक तो 7th पे कमीशन की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अगस्त के बाद होगी, फील गुड फैक्टर एज फार एज प्राइस राइज और बोनस का जो क्लियरेंस होता है, ओवर ऑप्स, वो सब एक कंजम्पशन में डेफिनेटली फिलअप देगी। एक तरफ होएगा ऑटोज और एक तरफ होएगा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। सो आई थिंक ITC लीवर और आप एक यूनाइटेड स्पिरिट्स ऐड कर सकते हैं ऑन द कंजम्पशन साइड, और ऑटोज में आप 2-व्हीलर में अगर लेना चाहें तो आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर और अशोक लीलैंड, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपने अभी टिप्पणी की थी मानसून के अच्छे होने के, तो मैं एक शेयर का नाम लूंगा जो आप ही के चैनल पे लिया था,
165-70 पे पहली हमारी रिकमेंडेशन थी रैलीज इंडिया की, अभी 200 पे हमने अपग्रेड किया। हमें लगता है दिस इज द मार्केट लीडर इन द पेस्टिसाइड मार्केट और दो साल से अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन इस साल में यहाँ से 200 से भी आपको 25% का रिटर्न मिलना चाहिए ऑन अ वन वे टिकट। तो ये एक बहुत अच्छा लुक्रेटिव प्ले है फ्रॉम द हाउस ऑफ टाटा। इट हैज ऑलमोस्ट 28% मार्केट शेयर इन द पेस्टिसाइड मार्केट एंड अ रोबस्ट मॉनसून विल ओनली फ्यूअल अर्निंग्स।